صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال وما كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود دافع جيشات الأباطيل ودامغ صولات الأضاليل الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين والصلاة الخاصة على سيدة البتول الحوراء الإنسية واليتيمة النابغة بر محمد وآل محمد صلوات عزادران سید شہداء چونکہ مجلس ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جہاں فرشتے نازل ہو وہ جگہ مبارک ہوا کرتی ہے اور جس جگہ پہ برکت ہو وہاں دعا قبول ہوتی ہے لہذا اس سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما یہاں پر مومنین تشریف فرما ہیں ہر مومن کسی نہ کسی مشکل سے دوچار ہے پروردگار حق زہرا کا واسطہ تمام مومنین کے مشکلات کو دور فرما اور حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ اللہم صلی علی محمد دیکھئے معصوم کے بارے میں گفتگو کرنا عقل بشری کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ معصوم کے بارے میں وہی گفتگو کر سکتا ہے جو خود معصوم ہو اور معصوم کے بارے میں فضائل اور مناقب خصائل عادات حسنہ کو وہی ذکر کر سکتا ہے جس نے خود عصمت کے مرتبے کو دیکھا ہو اب جس شخصیت کے لیے مجلس ہو رہی ہے محفل کا انعقاد ہے گفتگو ہو رہی ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ہر رنگ میں یکتا نظر آتی ہے دیکھئے عورت خاتون یا بیٹی ہوتی ہے یا بہن جو سب سے پہلے اس کا رشتہ ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے کسی کی بہن شادی ہونے کے بعد وہ زوجہ بنتی ہے اور
माँ बनती है। अब आप खातून जन्नत को देखें कि वो बेटी है तो ऐसी कि कोई बेटी नहीं है इस तरह। और ये दावा नहीं है, हकीकत में दावा नहीं है, ये हकीकत है। अभी थोड़ी देर बाद बयान करूंगा कि बेटी ऐसी कि पूरी तारीख बशरियत इस बेटी के बेटी होने पे नाज करे, और बीवी ऐसी कि तमाम फजाइल पर पहुंचने वाली शख्सियत ये कहे कि अगर कोई बाफजीलत खातून है तो वो फातिमा है। आप तवज्जो कर रहे हैं, जौजा ऐसी और माँ ऐसी, क्या कहने माँ होने पर। परवरदिगार ने दो बेटे अता किए, दोनों बेटों को इमाम बना के वापस कर दिया। देखें अबुल फजल अब्बास का कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है। मैंने खुद अपने उस्ताद से जो मुज्तहिद थे उनसे पूछा कि मुझे करबला में हजरत अब्बास के बारे में एक जुमला मिलता है, उस जुमले की समझ मुझे नहीं आई। उसने कहा वो जुमला क्या है, मैंने कहा कि मासूम इमाम हजरत अब्बास को ये खिताब करके फरमा रहे हैं कि मैं आप पर फिदा हूं। तवज्जो कीजिएगा, अगर मासूम मासूम के बारे में कहे ये बात दुरुस्त है। इमाम सादिक ने कहा इमाम हुसैन को खिताब करते हुए कि मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, बात दुरुस्त है चूंकि एक इमाम दूसरे इमाम के बारे में कह रहा है। लेकिन इमाम एक गैर इमाम के बारे में ये जुमला कहे तो मेरे मुज्तहिद ने कहा कि ये बात सिर्फ आपको नहीं, किसी इंसान की अकल इस बात को दर्क नहीं कर सकती कि इमाम हुसैन ने यह जुमला क्यों कहा। अलबत्ता सिर्फ एक बात समझ में आती है कि अब्बास के मकाम को अगर कोई जानता है तो वो अल्लाह है या हुसैन। अगर कोई मकाम अब्बास को जानता है तो वो या खालिक है जिसने पैदा किया, या वो है जिसने पाला है। खूब कितना बड़ा मकाम है, लेकिन अब्बास को इमामत नहीं मिली। वजह क्या है, चूंकि माँ जहरा नहीं है। देखिए जहरा की बड़ी शान है। मैंने कहा बेटी हो तो ऐसी, माँ हो तो ऐसी, और जौजा हो तो ऐसी। अब एक किरदार बाकी रह गया कि बहन का किरदार कैसे निभाना है। तवज्जो चाहता हूं, चूंकि हजरत फातिमा का कोई भाई जिंदा नहीं रहा तो तारीख का ये गोशा तिश्ना रह गया, लेकिन सानिये जहरा जैनब ने भाई का किरदार, एक बहन का किरदार अदा करके बताया कि अगर मेरी माँ का कोई भाई होता तो मेरी माँ का किरदार वैसे है जैसे मैंने करबला में अदा किया है। तवज्जो की आपने, बहन का किरदार बताया तो जनाब सानिया जहरा ने बताया, और ये वाहिद शख्सियत है कि जिसे सानिया जहरा कहना जचता है। माँ हो तो ऐसी, बेटी हो तो ऐसी, एक लकब मिलता है। मेरा दिल बड़ा है कि मैं इन आतैन अकल कौसर के बारे में गुफ्तगू करूं, लेकिन मुकदमात में कुछ गुफ्तगू करना ज़रूरी है। बेटी कैसी बेटी, तवज्जो चाहता हूं। एक गोशे पर निगाह करें
जब भी बीबी के फजाइल बयान हो रहे होते हैं तो अक्ल इंसानी तसव्वुर किए बगैर शायद ये बात अपने जहन में बिठाएं कि ये बहुत बड़ी उम्र की खातून थी, 50 साल 60 साल। चूंकि जब भी ज़्यादा फजाइल बयान होते हैं जहन में यही तसव्वुर होता है, लेकिन मेरी बीबी का क्या कहना कि ये तमाम फजाइल सिर्फ 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में लकब देखिए रसूल खुदा ने क्या कहा, उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा का मतलब क्या है आप जानते हैं, अपने बाप की माँ। ये वाहिद खातून है कि जिसे ये लकब अता हुआ, उम्मे अबीहा। और तारीख ने लिखा कि ये लकब कब अता हुआ, 7 साल की उम्र है, यानी 7 साल की उम्र। और हज़रत फातिमा का मकाम देखिए, खातून जन्नत का मकाम, रहमतुल्लिल आलमीन, जो तमाम आलम के लिए रहमत बन कर आया। उसने कहा कि अगर कोई मेरा ख्याल रखता है, मेरी माँ जैसा मकाम रखता है, वो फातिमा है। उम्मे अबीहा। अच्छा क्यों कहा, बहुत तवज्जो चाहता हूं। अरब कहते हैं कि बाज दफा आप एक ऐसी खातून को भी माँ का लकब देते हैं कि जो आपकी माँ की तरह आपके लिए मोहतरम हो। यानी एक खातून है जिसे आप माँ की तरह एहतराम देते हो, अरब अगरचे वो आपकी हकीकी माँ ना हो फिर भी उसे उम का खिताब कहा जाता है, उम यानी माँ। अब इस तनाजुर में अगर इस लकब को देखा जाए, उम्मे अबीहा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई शख्सियत जो मरकज़ मोहब्बत रसूल है तो वो फातिमा है। मरकज़ मोहब्बत रसूल, जिसके गिर्द मोहब्बत रसूल तवाफ करती है, वो फातिमा है। दूसरी वजह, बहुत खूबसूरत वजह बयान की, वो क्या वजह है, ये आयत सुनिए, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, 6 नंबर आयत है, अन्नबियु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनीन के ऊपर उनके नफ्सों से ज्यादा ताकत और विलायत रखता है। यानी अगर किसी को मोमिनीन के नफ्सों में हक तसर्रुफ और विलायत हासिल है तो वो रसूल है। क्या मतलब, यानी मेरा नफ्स कुछ चाहता है, रसूल खुदा कुछ चाहते हैं, तो जो रसूल की चाहत है कुरान के मुताबिक उस चाहत को मुकद्दम करना वाजिब है। यानी अगर किसी को बुलाए तो ये हक़े विलायत है, किसी को निकाले ये भी हक़े विलायत है, किसी को बिस्तर पे सुलाए हक़े विलायत, किसी को आयत बरात देकर मक्का रवाना करे हक़े विलायत। उसके बाद क्या कहा, तवज्जो चाहता हूं, वअज़्वाजुहु उम्महातुहुम, और रसूल खुदा की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं। ये कुरान का तर्जुमा है, तवज्जो कीजिएगा। रसूल खुदा ने कहा फातिमा मेरी माँ है, कुरान कह रहा है रसूल की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं। अब हमारे उलमा ने लिखा कि इस आयत ने जब ये कहा कि तमाम अजवाज मोमिनीन की माएँ हैं, इसमें कोई फजीलत नहीं है, अलबत्ता ये बात साबित होती है कि रसूल की नस्बत से एहतराम करना ज़रूरी है। रसूल की नस्बत से, देखें नस्बत का बड़ा मकाम है। आप आलम का एहतराम करते हैं, क्यों, नस्बत है अब्बास से। आप ताज़िये का एहतराम करते हैं, नस्बत है इमाम हुसैन से। आप ज़ुलजिना का एहतराम करते हैं, नस्बत है इमाम हुसैन से। कुरान मजीद में लिखा है कि कुर्बानी के लिए जो जानवर जा रहा है उसके गले में जो पट्टा है उसका एहतराम भी ज़रूरी है। क्यों, चूंकि उसकी नस्बत है कुर्बानी की जानवर से। कहा माएँ हैं, एहतराम करना ज़रूरी है, तवज्जो चाहता हूँ। दूसरा हुक्म, इसलिए माएँ कहा कि रसूल की नस्बत से इन बीबियों के साथ शादी नहीं हो सकती, बाद वफात रसूल इनके साथ शादी करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए माँ का लकब दिया। तवज्जो चाहता हूँ, कुरान ने कहा
पैगंबर की बीवियां, पैगंबर की अजवाज, पैगंबर की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं। रसूल ने कहा कि अगर मेरी बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं तो फातिमा मुझ रहमतुल आलमीन की माँ है। ये बेटी है जिसको उम्मुल उम्मे अबी हक लक़ब मिला है, और ये बात तो आप जानते हैं, हदीस में है कि बेटियां रहमत हुआ करती है और बेटे नेमत, और आप जानते हैं कि रसूल खुदा को कुरान ने रहमतुल आलमीन कहा है, आलमीन के लिए रहमत है। अब आलमीन क्या चीज़ है, बहुत तवज्जो, आलमीन कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता। आलमीन कुर्रे अर्श को कहते हैं, आलमीन ज़मीन को कहते हैं, आलमीन आसमानों को कहते हैं, लेकिन सूरह हम ने आलमीन की वजाहत कर दी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस रब के लिए जो तमाम आलमीन के लिए रब है। अब आलमीन के लिए रब ये कहता है कि परवरदिगार की रुबूबियत लामुतनाही है, यानी जहाँ तक अल्लाह की रुबूबियत जाए वहां तक मेरी नबी की रहमत जाए, और जो तमाम आलमीन के लिए रहमत हो उसके लिए फातिमा रहमत बनकर आई। ये कोई आम औरत है, कोई आम खातून है, खातून जन्नत। अज़ीज़ाने गिरामी, एक हदीस है जिसे हाकिम ने अपनी किताब मुस्तदरक में ज़िक्र किया। हाकिम निशापुरी हमारे अहले सुन्नत वल जमात मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और 405 हिजरी में वफात हुए हैं। तकरीबन 321 हिजरी विलादत है और 405 हिजरी वफात, यानी तकरीबन कोई 86 साल उम्र है। इन्होंने एक किताब लिखी अल मुस्तदरक, इन मालूमात का पता होना चाहिए हमारे जवानों को, मुस्तदरक अल सहीहैन। हाकिम का असली नाम है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। हाकिम हदीस, इल्म हदीस के अंदर एक इस्तिलाह है, और ये इतना बड़ा आलिम है कि पूरी तारीख हदीस में ये लकब सिर्फ इन्हीं को मिला है, हाकिम। खुद इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम है अल मुस्तदरक अल सहीहैन। इस किताब का मकसद क्या था, किताब का मकसद ये था कि बुखारी और मुस्लिम जो हमारे अहले सुन्नत बिरादरान के यहाँ कुरान के बाद सबसे सही किताबें हैं, उनमें जो हदीसें नहीं आईं और जो इन बुजुर्गान के शरायत के मुताबिक सही है, उन तमाम अहदीस का जिक्र किया। इसलिए क्या कहा, मुस्तदरक, यानी वो हदीसें जो वहाँ जिक्र नहीं हुई हाकिम ने यहाँ जिक्र की। इन अहादीस में हाकिम ने एक हदीस जिक्र की है, हदीस क्या है तवज्जो कीजिएगा, हदीस भी किससे मरवी है, उम्मुल मोमिनीन, जिसे कुरान ने उम्मुल मोमिनीन कहा, हजरत आयशा। वो कहती है बहुत तवज्जो के साथ, हर एक लफ्ज़ सुनने के काबिल है इस हदीस के, मा अशबहा बिन नबील मुस्तफा हदियन व समतन व दल्लन मिन इब्नतिहा फातिमा। ये हदीस का पहला टुकड़ा है, कहा मैंने नहीं देखा, हजरत आयशा कहती है मैंने नहीं देखा कि जो रसूल खुदा के साथ ज्यादा शबाहत रखे। किस चीज में शबाहत, तवज्जो कीजिए, एक दफा शबाहत शक्ल सूरत में होती है, ये कोई कमाल की बात नहीं है, हर फर्जंद अपने वालिदैन पे गया होता है। एक दफा शबाहत शक्ल में होती है, सूरत में होती है, एक दफा शबाहत सीरत में होती है। हजरत आयशा क्या कहती है, मैंने न सिर्फ सूरत में, सीरत में, गुफ्तगू करने में, नशिस्त बरखास्त में, उठने बैठने में, जो शख्सियत सबसे ज्यादा रसूल खुदा के करीब देखी वो फातिमा है। देखें ये पहला टुकड़ा है हदीस का, अगर सिर्फ सूरत में शबाहत होती तो इतनी बड़ी बात ना होती, चूंकि बेटी है, लेकिन सीरत में रसूल जैसा होना, ये कोई आम सीरत है, ये वो सीरत है जिसके बारे में कुरान मदाह करते हुए फख्र महसूस करता है, ये वो सीरत है कि जिसके बारे में कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम,
ऐ रसूल हम गवाही देते हैं कि आप सीरते हसना के मालिक है। जब कहा हजरत आयशा ने कि फातिमा सीरत में रसूल के शबी है, यानी जैसे खुलके अजीम की आयत रसूल खुदा की मदाह कर रही है वैसे ही फातिमा की मदाह कर रही है। ये घर भी तो अजीब है ना, कोई पैदा हुआ वो रसूल की सीरत का, अली अकबर के बारे में तो आपने सुना है शबीह पैगंबर। मैं कहता हूँ कि एक शायर ने बड़ा ही खूबसूरत मंजर खींचा है इस घर का, कि घर फातिमा जहरा का अजब शान का घर है, ये वही की मंजिल है और कुरान का घर है, इस्लाम के माहौल में ईमान का घर है, मोमिन की मुनाफिक की ये पहचान। मोमिन की मुनाफिक की ये पहचान का घर है। कुछ लोग मरे जाते हैं इस रंजो महन में, इस घर का जो दरवाजा है मस्जिद के सहन में। अजीब नहीं है ये घर, पर अल्लाह ने इस घर को शरीयत से नवाजा, अल्लाह ने इस घर को तहारत से नवाजा, दुनिया में इसे दीनो शरीयत से नवाजा, इस्मत से विलायत से इमामत से नवाजा, हर फर्द को कुरान की आयत से नवाजा। हर फर्द को, एक नहीं हर फर्द को, जो भी फातिमा के घर पैदा हुआ हर फर्द को कुरान की आयत से नवाजा। सांचे में मशीयत के सब अफराद ढले हैं, सब साये तत्हीर के साये में पले हैं, इस आजम के फूलाद इसी घर में मिलेंगे, इस आजम के फूलाद इसी घर में मिलेंगे, इस सता के अफराद इसी घर में मिलेंगे, ये नूर के अजसाद इसी घर में मिलेंगे, जिब्रील के उस्ताद। जिब्रील के उस्ताद इसी घर में मिलेंगे, मखलूक के बाद आखिरी सरहद नजर आया, जिस फर्द को देखा वो मोहम्मद नजर आया। ये कोई आम घर है? वाकयन हक तो अदा नहीं हुआ, चूंकि हक तो कहां मदा का अदा हो सकता है, लेकिन कमाल है इस शायर का वाकयन, जिस फर्द को देखा वो मोहम्मद नजर आया। मोहम्मद नजर आना ये कोई आम सी बात नहीं है अजीजाने गिरामी। कहा मैंने जिसको भी देखा करीब तर रसूल खुदा से वो हजरत फातिमा की जात थी। उसके बाद क्या कहा, एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कहा कुल्लमा अकबलत इलैहा, कुल्लमा अकबलत इलैहे, जब जब भी फातिमा रसूल खुदा के घर आई। अकबलत पे तवज्जो कीजिए, एक दफा अरबी में है जात, जात का माना भी है आना, अकबलत का माना भी आना है। मैं कहता हूं क्या लफ्ज चुने गए हैं इस हदीस में, बाज दफा कुदरत भी बहुत से जबानों पे हकीकत जारी कर देती है। अकबलत क्या मतलब है, अकबलत का, जात और अकबलत में क्या फर्क है, दोनों का मतलब है आना। जात कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, जा अमरुल्लाह खुदा का अमर आया, अकबला का मतलब भी है आना। फर्क यह है कि जा सिर्फ आने पर दलालत करता है, जबकि अकबलत रगबत के साथ आने पर दलालत करता है। कुल्लमा अकबलत इलैह, जब भी फातिमा रसूल के घर आई, यानी आने का अंदाज ये होता था कि रगबत के साथ आती थी, जानती है बाप से नहीं अंबिया के सरदार से मिल रही हूं। अच्छा क्या हुआ, जैसे ही घर में आई, जैसे ही दाखिल हुई, जब जब दाखिल हुई हुआ क्या, कुल्लमा अकबलत इलैह कामा इलैहा,
तो रसूल खुदा इज्जत तकरीम तमजीद तकदीस के लिए खड़े हुए हैं। फिर भी सुनिए, एक है कामा लहा और एक है कामा इलैहा। चूंकि एक हदीस को समझना बहुत ही सवाब रखता है। कामा लहा, किसी की ताजी में खड़े होना। कामा इलैहा, सिर्फ खड़े होना नहीं है बल्कि चंद कदम आगे जाकर इस्तकबाल करना है। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो घर में दाखिल हुए, आप ताजीम के लिए खड़े हुए। कुछ मेहमान ऐसे हैं कि ताजीम के लिए खड़े नहीं होते बल्कि दरवाजे तक जाते हैं। कहा जब जब फातिमा आई, रसूल खुदा सिर्फ खड़े नहीं हुए, इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, आगे बढ़े इस्तकबाल के लिए। अच्छा हदीस आपने सुनी, रसूल का खड़ा होना कोई आम सी बात है? जानते हो रसूल के खड़े होने का क्या मतलब है? मैं बहुत तवज्जो चाहता हूँ, रसूल के खड़े होने का मतलब क्या है? ये आयत है सूरह सात की, एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सूरह सात कुरान मजीद का 38वां सूरा है और ये 23वें पारे में है। इसकी आयत नंबर 18 और 19 खूब तवज्जो कीजिएगा और ये सवाल जहन में रखिए कि रसूल का खड़ा होना क्या है। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, इन्ना सखरनल जिबाला माहू। इससे पहले आयत है, इसबिर अला मा यकूलून। ए मेरे हबीब, सबर करते रहिए अला मा यकूलून, ये लोग जो आपको तंग करते हैं इस पर सबर करें। वज़कुर अब्दना, और हमारे बंदे दाऊद का जिक्र करो। अब दाऊद की भी क्या शान है, रसूल खुदा को इरशाद हो रहा है कि इस बंदे का तस्करा करो। किसका बंदा है? अब्दना, मेरा बंदा है। जल आईदी, बड़ा कुव्वत वाला है, बड़ी ताकत रखता है। अच्छा, इन्नहु अवाब, वो बार बार पलट कर मेरे पास आता है। ये हजरत दाऊद की मदा हुई। उसके बाद क्या कहा? इन्ना सखरनल जिबाला माहू युसब्बिहना बिल आशी वल इशराक। अजीब लहजा है। कहा हमने तमाम पहाड़ों को हजरत दाऊद के सामने मुसखर किया और हुक्म दिया कि जब जब दाऊद तस्बीह करे तुम भी तस्बीह करते रहना। अब मकाम दाऊद को समझिए, मकाम दाऊद को समझिए। दाऊद कहे सुभान अल्लाह, पहाड़ जवाब दे सुभान अल्लाह। दाऊद तकदीस खुदा बयान करे, पहाड़ तकदीस खुदा बयान करे। अच्छा, आप सवाल करेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? खुदा खुद कहता है कुरान में, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन में है वो सब की सब तस्बीह खुदा कर रही है, सब तस्बीह करती है। इसमें दाऊद का क्या मकाम हुआ? हर चीज तस्बीह की मंजिल पर है, तकदीस की मंजिल पर है। दाऊद का मकाम क्या है? दाऊद का मकाम यह है कि पूरी कायनात एक दफा तस्बीह करती है, एक दफा खुदा कहे ये मेरा बंदा है, जब ये तस्बीह करे उस वक्त तस्बीह करो। यानी गोया पूरी कायनात दाऊद के साथ मिलकर बाजमात नमाज पढ़ रही है। तवज्जो नहीं किया आपने? पूरी कायनात मिलकर। एक रिवायत है, सब्बहतिल मलाइका इदा सब्बहना। अहले बैत कहते हैं जब हमने तस्बीह की हमारे देखा देखी फरिश्तों ने भी तस्बीह की। मकाम दाऊद यह है कि जब तस्बीह करे तो पहाड़ उठकर तस्बीह करे और पहाड़ों को फख्र महसूस हो। सिर्फ पहाड़ नहीं, वत्तैरु महशूरा, सात परिंदी भी आए हैं। कुल्लुन लहू अवाब, मतलब यह है एक दफा तस्बीह नहीं करनी, जब जब दाऊद का दिल करे तस्बीह करने का, पहाड़ों को हुक्म है, परिंदों को हुक्म है कि दाऊद के साथ तस्बीह करे। क्या सिर्फ पहाड़ों को हुक्म था, सिर्फ परिंदों को हुक्म था? नहीं अजीजो, पहाड़ साबित चीज की निशानी है, परिंदे मुतहर्रिक चीज की निशानी है। यानी जब जब दाऊद तस्बीह करे पूरी कायनात तस्बीह करे। मैं कहता हूं यह दाऊद का मकाम है, दाऊद की तस्बीह है। जब वो तस्बीह करे तो पूरी कायनात तस्बीह करे। अब जो शख्सियत
कि जिसकी वजह से दाऊद को रिसालत मिली, जब वो फातिमा की ताजीम के लिए उठे। तवज्जो की आपने, मैं कुरान से पढ़ रहा हूं। कुरान ने कहा दाऊद ने तस्बीह की, पहाड़ों ने तस्बीह की, परिंदों ने तस्बीह की, यानी दाऊद की तस्बीह के साथ पूरी कायनात मकाम तस्बीह पर है। अगर ये दाऊद का मकाम है तो दाऊद को जिस शख्सियत की वजह से रिसालत मिली, अगर वो फातिमा के ताजीम के लिए उठे तो सिर्फ रसूल नहीं उठे, मदीना उठा, जमीन उठी, आसमान उठा, पूरी कायनात फातिमा की ताजीम के लिए उठी है। पूरी कायनात ताजीम के लिए उठी है। एक शेर है इस बंदे नाचीज का कि क्या इसमें ताज्जुब, शहलौला खड़े हैं। लोगों को ताज्जुब है कि रसूल खुदा क्यों खड़े हैं। मैंने एक शेर कहा कि क्या इसमें ताज्जुब, शहलौला खड़े हैं, कुछ ऐसी ही ताजीम की हकदार है जहरा। कुछ ऐसी ही ताजीम की हकदार है जहरा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बारे दिगर सलावात। हदीस नकल करने वाले को पता होता कि ये माना है तो शायद कभी हदीस नकल ना होती, लेकिन क्या पता कि हदीस में क्या आया है। इधा अकबलत इलाई है, जब जब रसूल खुदा के घर की तरफ खातून जन्नत आई, कामा इलाई हा, इस्तकबाल के लिए चले गए। एक दफा नहीं, बार बार। मैं कहता हूं कि अगर मदीने शहर को जुबान दी जाती तो शायद मदीने का शहर कहता रसूल ताजीम को उठिए ताकि हम भी ताजीम करें। कुल्लमा अक़बलत इलैहा, जब जब आई। अच्छा, बाज लोगों ने कहा, तवज्जो चाहता हूं, बाज लोगों ने कहा कि एक बाप को बेटी से मोहब्बत है, एक बाप है जो अपने बेटी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, हर बाप अपने बेटी से मोहब्बत का इजहार करता है। मैं इनसे सवाल करता हूं कि अगर ये एक बाप की बेटी से मोहब्बत होती तो सुन्नत करार पाती। शरीयत में कहां लिखा है कि बाप का बेटी के लिए उठना जायज है, मुस्तहब है। कहां लिखा हुआ है? किसी जगह पर है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए उठे? किसी जगह नहीं है। और फिर तवज्जो चाहता हूं, ये कहा कि ये एक बाप अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, ऐसा नहीं है। रसूल जब ये कहे फातिमा मेरा टुकड़ा है, देखिए तर्जुमा कहा जाता है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ऐसा नहीं है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तो पता है रसूल की बात कैसे होती है? तवज्जो चाहता हूं ताकि फहमे हदीस की तरफ मुतवज्जे हो। एक हदीस है, एक रिवायत है, एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अरिनल हकाइका कमा हिया, परवरदिगार मुझे हकीकत वैसी ही बता दे जैसे वो है। हर चीज की हकीकत वैसे बता दे जैसे वो चीज है। मैं एक मिसाल दूं, सितारे कितने छोटे नजर आते हैं दूर से। गालिब ने भी कहा है, कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खोला। आज साइंस ने साबित कर दिया कि इनमें से बास सितारे इतने बड़े हैं कि पूरा निजाम शमसी, पूरा सोलर सिस्टम उस एक सितारे में आ जाता है। पूरा निजाम शमसी इतना बड़ा सितारा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सितारा जैसे है वैसे नजर नहीं आता। आपने हमेशा से सुना है हजरत इब्राहिम जो हकीकत को जानते भी थे लेकिन मुआशरा नहीं जानता था। आपने हमेशा से सुना कि सूरज तुलू होता है, गुरूब होता है। साइंस ने कहा कि सूरज अपने 9 अफराद के खानदान को लेकर बड़ी सुरात के साथ हरकत कर रहा है। सूरज गुरूब और तुलू नहीं होता बल्कि यह जमीन है जो गर्दिश कर रही है।
देखिए कुरान ने कहा है ना, वो शम्सु तजरी ले मुस्तकर लहा ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, सूरज अपने मरकज की तरफ सरपट दौड़ रहा है और ये अजीज़ अलीम के बताए हुए रास्ते है जिस पर सूरज अमल कर रहा है। सूरज हरकत कर रहा है, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, लेकिन आपको लगता है सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज तुलू हो रहा है, आपको ऐसे लगता है। इब्राहिम को ऐसे नजर नहीं आता। इब्राहिम के बारे में आयत है, वह नूरी इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्ध ले अकून मिनल मुकिनीन, हमने इब्राहिम को जमीन व आसमान के मलकूत बताए, जमीन व आसमान का कंट्रोल बताया, जमीन व आसमान का होल्ड बतलाया, ये बतलाया कि ये कायनात जो इतनी वसी है किसके कब्जे कुदरत में है। यही वजह है कि जब नमरूद ये कहे कि इब्राहिम के लिए एक आग जलाई जाए और इब्राहिम को उस आग में डाला जाए तो ईमान इब्राहिम मुतजलजल नहीं होता, चूंकि इब्राहिम जानता है कि आग नमरूद ने जलाई है लेकिन इख्तियार उसका है। आग इब्राहिम, आग नमरूद ने जलाई है लेकिन कुदरत खुदा का है। क्यों? मलकूत समावात वल अर्थ का मुशाहिदा कर चुका है, कायनात के कंट्रोल को देख चुका है, वो जानता है कि मेरी मदद खुदा करेगा। इसलिए जब जिब्राइल आया, मैं अपने मकाम को नहीं भूला लेकिन इस मकाम की वजाहत ज़रूरी है ताकि मालूम हो कि जब रसूल खुदा ने कहा कि फातिमा मेरा टुकड़ा है तो वो ऐसा ही है, ये बाप बेटी की मोहब्बत नहीं है। अच्छा, इब्राहिम ने देखा कि आसमान और ज़मीन का इख्तियार खुदा के पास है, इसलिए जब मिंजनीक में बांध कर इब्राहिम को आग में डाला जाने लगा तो एक फरिश्ते ने खुदा से कहा कि रूए जमीन पर एक ही बंदा है जो तुझे एक जानता है, उसी भी आग में डाला जा रहा है, अगर चाहते हो मैं इब्राहिम की मदद करना चाहता हूं। कहा जाओ इब्राहिम की मदद करो। फरिश्ता आया, इब्राहिम से कहा मदद की जरूरत है। इब्राहिम ने कहा हाँ है लेकिन तुझसे नहीं है। यकीन इब्राहिम को देखिए, कहा मदद की जरूरत है लेकिन तुझसे नहीं है। कहा अच्छा, अल्लाह से मदद की जरूरत है तो मांगो। इब्राहिम ने तारीख का वो जुमला कहा कि जिसे तारीख ने अपने माथे पे लेकर फख्र महसूस किया, कहा इल्मुहु बिहाली युग्नीनी अनिस सवाली, वो बेहतर जानता है कि मेरी मदद कब करे। अब जब ये यकीन इब्राहिम हो तो फिर नारे नमरूद की जरूरत नहीं है कि वो आग रहे। यकीन इब्राहिम ने नारे नमरूद को गुलिस्तान में बदल दिया, ये यकीन इब्राहिम है। लेकिन हम उस यकीन को मानते हैं जिसने खतीब मिंबरे सलूनी बनकर कूफे से आवाज दी कि लो कुशफल गिता लमज़दत यकीना, अगर तमाम कायनात के हिजाब मेरी आंखों के सामने से हटाए जाएं तो अबू तालिब के फर्जंद के यकीन में इजाफा नहीं होगा। खुब ये यकीन कहां से आया? इब्राहिम के पास, चूंकि चीजों की हकीकत देख चुके हैं इब्राहिम, हर चीज जैसी है वैसे इब्राहिम को नजर आई है। अगर ये मकाम इब्राहिम है तो मकाम खत्मी मर्तबत क्या है? जब कहा परवरदिगार मुझे वैसे ही चीजें दिखा जैसे उन चीजों की हकीकत है, मैं कहता हूं दुआ कबूल हुई कि नहीं। अब रसूल कायनात को जिस निगाह से देखे वो वैसे ही नजर आएगी जैसे परवरदिगार ने उस कायनात को खल किया है। अब जब रसूल कहे फातिमा मेरा टुकड़ा है, ये मोहब्बत नहीं ऐन हकीकत है, ये ऐन हकीकत है, ये कोई मोहब्बत का इजहार नहीं है। और फिर लोग कहते हैं ये प्राइवेट लाइफ है पैगंबर अकरम की, जाती जिंदगी है, प्राइवेट लाइफ। जैसे हर बाप अपनी बेटी से अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, मैं कहता हूँ कुरान पढ़िए। कुरान वो किताब है कि जिसमें तमाम मुश्किलात का हल मौजूद है। कुरान ने सूरह तहरीम की पहली आयत में आवाज़ दी, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमो मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी तुम उस चीज को क्यों हराम करते हो जिसे हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया।
तवज्जो कीजिएगा, कहते हैं ना प्राइवेट लाइफ है, पता है इस हदीस का शान नज़ूल, इस आयत का शान नज़ूल क्या है। रसूल खुदा अपनी एक ज़ौजा के पास गए, शहद तनावल फरमाया, वहां से आए तो कुछ बीबियों ने एतराज किया के दहाने मुबारक से खुशबू आ रही है, मैंने लफ्ज़ बदल दिए एहतराम की वजह से। तो रसूल खुदा ने फैसला किया कि मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये रसूल खुदा की का जाती फैसला है या इसका शरीयत के साथ ताल्लुक है? नहीं, बिल्कुल जाती फैसला है। उसने ये नहीं कहा शहद हराम है, कहा इनकी खातिरदारी के लिए, इनका दिल रखने के लिए मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। फौरन आयत नाजिल हुई, कहा किसने तुझे हक दिया कि उस चीज को हराम करार दो जिसे हमने हलाल किया है। यानी तेरी प्राइवेट जिंदगी, तेरी प्राइवेट जिंदगी नहीं है, हर वो चीज जो तुम्हारी जिंदगी में रोनुमा होगी वो हमारी मर्जी से है। अच्छा, ये प्राइवेट लाइफ की जिंदगी का फैसला है। अब हुसैन पुश्त पे बैठे और कहने वाला ये कहे कि ये तो नवासा था, मोहब्बत थी, ये जाती फैसला था। मैं कहता हूं जहां जाती फैसले में मुदाखलत हुई, नमाज तो रसूल की नहीं अल्लाह की है। कहा जाता भाई ये सबसे बड़ी इबादत है, इन कुबिलत कुबिला मा सिवाहा, अगर नमाज कबूल हुई तो बाकी सारी इबादत कबूल हो जाएगी। रिवायत में है कि नामे आमाल खोला जाएगा, सबसे पहले नमाज देखी जाएगी, जिसकी नमाज कबूल हुई उससे कहा जाएगा कि अभी बाकी आमाल देखेंगे, लेकिन जिसकी नमाज कबूल नहीं हुई उसका नामे आमाल उसके मुंह पे फेंक दिया जाएगा। वो अजीम इबादत जो सिर्फ खुदा के लिए होती है। हुसैन पुश्त पे बैठे, रसूल न उतारे, इसका मतलब है मशीयत खुदा है कि हुसैन बैठा रहे। पता नहीं बात कहां से कहां चली जाती है, ये प्राइवेट जिंदगी है। और लोग कहते हैं, मुझे क्वेत एयरपोर्ट पे गालिबन एक आदमी ने पूछा नमाज पढ़ते हुए, कहा ये नमाज आपने कहां से सीखी है? मैंने कहा कि आपने सूरह जुमा की आयत पढ़ी है कि इज़ा रऔ तिजारतन औ लहवन इन्फद्दु इलैहा, सूरह जुमा है, सूरह जुमा की आयत का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। आप कुरान पर एतराज़ नहीं कर सकते, वरना कुरान पर भी एतराज़ कर देते। सूरह जुमा क्या कह रही है? इज़ा रऔ तिजारतन, ए रसूल तेरे साथ बाज नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जब उनको तिजारत नज़र आती है या लहू लहब, तो वो नमाज को छोड़कर तिजारत की तरफ चले जाते हैं। मैंने कहा आपने आयत पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है? मैंने कहा कि बाज लोगों ने नमाज इनसे सीखी कि जिन्होंने रसूल को नमाज की हालत में छोड़ा, हमने नमाज उनसे सीखी जिन्होंने रसूल को नमाज पढ़ते हुए सजदा करते हुए देखा। कौन सी प्राइवेट जिंदगी की बात हो रही है? यहां शहद को अपने ऊपर हराम किया, कहा तुम्हें किसने इजाजत दी है? और या अय्युहन नबी का खिताब किया, जानते हो या अय्युहन नबी, नबी यानी तेरी जाती जिंदगी, रसूल नहीं कहा, चूंकि रसूल का ताल्लुक मुआशरे के साथ है। जब गदीर की आयत नाजिल हुई, कहा या अय्युहर रसूल, मनसब रिसालत का तकाजा है कि विलायत का ऐलान हो। यहां कहा या अय्युहन नबी, ये तेरी प्राइवेट जिंदगी है, जाती जिंदगी है, लेकिन यहां भी गुंजाइश नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, रसूल हमारे, हबीब हमारे, जो भी गुफ्तगु करते हैं वो हमारी रजा से करते हैं। जब कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है, इसमें रजाए खुदा मुजमर है, जब जब फातिमा आई रसूल खुदा ने उठकर इस्तकबाल किया, खड़े हुए। अच्छा, एक दफ़ा नहीं, बार बार। वहाँ आपने दाऊद के बारे में सुना कि बार बार पहाड़ों ने तस्बीह की। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर पहाड़ों ने तस्बीह की तो ये इबादत खुदा है। ज़हरा की ताज़ीम हुई रसूल की तरफ से, ये भी इबादत खुदा है, क्योंकि रसूल की जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इबादत ना हो। दूसरा, इस मकाम से आगे बढ़ता हूँ, पूरी गुफ्तगू मुकदमे में सर्फ हुई। बहरहाल दो तीन दकीके आपको ज़हमत दूंगा। कुल्लमा अकबलत इलैहि, जब जब आई
कामा इलैहा इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए, आगे गए, उसके बाद वक़बलहा, तवज्जो चाहता हूँ, क़बलहा, रसूल ने खातून जन्नत को बोसा दिया, और बाज़ रिवायात में है झुक के बोसा दिया। यकीन करें अगर रिवायात में ये अल्फाज ना होते तो गुलूफ होता, लगता गुलूफ हो रहा है। क्यों? कौन झुक रहा है, कौन झुक रहा है? इस पूरी कायनात में आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर कयामत तक, जो सबसे अरफा आला अफजल अशरफ मकाम है वो रसूल का है। यानी अगर हकीकत की निगाहों से देखे तो रसूल खुदा उस मकाम बुलंद पर फाइज है कि अकल अकले बशर का परिंदा वहां परवाज नहीं मार सकता, उतनी बुलंदी से झुककर फातिमा को चूम रहे हैं, उस बुलंदी से झुककर, कोई आम सी बात है। उसके बाद वह अजलसहा मजलिसहू, कहां बिठाया हजरत फातिमा को? ये तो एक इस्तकबाल फरमाया, इस्तकबाल के लिए आगे गए, उसके बाद बोसा दिया, एहतराम किया, फिर अपनी जगह पर बिठाया। ये भी हदीस के अल्फाज है। आपने मिंबर तो देखा होगा, ये तो कुर्सी है जो कि मिंबर रसूल है। एक दफ़ा मिंबर बनाए जाते हैं, तीन सीढ़ियां, चार सीढ़ियां। वो चार सीढ़ियां क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है ताकि उन सीढ़ियों का इस्तेमाल करके इंसान मिंबर पे बैठे। ऐसे ही है ना, यानी उन सीढ़ियों का मकसद क्या है? कि इंसान मिंबर तक पहुंचे, जो सबसे ऊपर जीना है। अब तमाम उलमा कहते हैं, तवज्जो चाहता हूं, कि एक कम 1,24,000 पैगंबर इसलिए आए कि मनसबे खत्मियत बरपा हो। जितने भी अंबिया आए वो मुकद्दमा थे, वो तमहीद थे रसूल खुदा के लिए। यानी परवरदिगार आलम ने एक के बाद एक सीढ़ी लगाई ताकि खत्मी मर्तबत का दौर आए, ये मनसब बिछे, वो मनसब कि जिसके लिए तमाम अंबिया ने जहमतें उठाई, रसूल खुदा ने फातिमा को उसी मनसब पे बिठाया। ये कोई आम मनसब है? ये कोई आम मनसब है? उस मनसब पे बिठाया हजरत फातिमा को, खातून जन्नत को। और उसके बाद हदीस का अजीब सा लफ्ज है, हजरत आयशा ने कहा कि जब मैंने ये एहतराम देखा, ये तकदीर देखी, ये इज्जत देखी, तो मैंने कहा इन्नहा मरअतुन, ए रसूल खुदा, मैंने आपको देखा कि आपने बोसा दिया, ये तो एक औरत है। हजरत आयशा की निगाह, ये एक औरत है। रसूल खुदा ने कहा, क्या कहा? कहा इन्नहा समरतुल जन्ना, आयशा जिसे तू एक औरत समझ रही है वो औरत नहीं है, जन्नत का फल है, जन्नत का फल है। और हदीस में है कि रसूल खुदा ने कहा कि मैं जब जब जन्नत का इश्तियाक मुझे हुआ, मैंने हजरत खातून जन्नत को सूंघा, तो मुझे ऐसे लगा जैसे जन्नत की खुशबू आ रही है। मैं कहता हूं कि जन्नत की खुशबू वही जान सकता है जिसे पता हो ये जन्नत की खुशबू है। आपने तवज्जो कीजिए। और फिर उसके बाद रिवायत बिल्कुल आखिरी मरहले में है, मेरा वक्त भी खत्म हुआ। कहा लम्मा औरजा बिही, जब मैं मेराज पे गया तो मैंने वहां जन्नत का फल खाया, और उसी फल से हजरत खातून जन्नत का मुबारक जसद बना। ये हदीस के अल्फाज है। यानी क्या मतलब है, तवज्जो चाहता हूं। आप इमाम हुसैन को जब जियारत पढ़ते हैं तो उसमें खिताब है कुंत नूरन फिल असलाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरा लम तुनजिस कल जाहिलियत बे अंजासहा वलम तुलबिस कमिन मुदलहिमात थियाबहा। कहा ए हुसैन, मैं गवाही देता हूं कि आप आदम से लेकर खातम तक मुबारक सुलबों में मुंतकिल होते रहे। यानी नूरे हुसैन आदम में आया, आदम से नूह, नूह से इब्राहिम, इब्राहिम से मूसा, मूसा से ईसा, ईसा से मोहम्मद, और इसी तरह से फातिमा के रहम मुतहर में आया। ये मकाम हुसैन है। लेकिन फातिमा के लिए क्या है? फातिमा के लिए कहा ये वो नूर है जो अर्श पे रहा और बराह रास्त रसूल खुदा के सुल में आया है।
आवाज़े बुलंद कर सलाम बराहे रास्त। और इसलिए इनको इंसिया हौरा कहा जाता है, यानी जाहिरी सूरत तो इंसानों की है लेकिन बातिन में मैं जसद की बात कर रहा हूँ। रूह का मकाम कौन जाने। कहा जसद ऐसे है जैसे जन्नत की हूर, अल हौरा उल इंसिया। और अजीब है, मेरी माओ बहनों के लिए वाकई अजीब है, इतना बड़ा मकाम। तारीख ने कहा कि अली जब भी घर में आए, जब भी घर में आए तो फातिमा मुस्कुराते हुए मिली। यानी वो मुश्किल कुशा जो तमाम आलम इंसानियत का सहारा है, वो शख्सियत हजरत फातिमा उनके लिए सहारा बनती है। कानत तब्तसिमु दाइमन फी वजही, हमेशा वजह अली में, हमेशा अमीर अल मोमिनीन के इस्तकबाल में मुस्कुराती थी। अल्लाहु अकबर। और ये भी तारीख में लिखा है कि इतने बड़े जख्म आए जिसमें मुबारक पर। मैं सारे सादात से मोमिनीन से माजरत चाहता हूँ, मैंने बहुत जगहों पर मुसीबत पढ़ी करबला की, लेकिन यकीन करें ये मुबालिगा नहीं है। जनाबे फातिमतु जहरा की मुसीबत ऐसी है जो पढ़ी नहीं जाती। देखें ना, बिल्कुल सादा सी बात है, अमीर अल मोमिनीन मजलूम है, लोग उसे मजलूम मानते हैं, लेकिन जनाबे जहरा को कौन मजलूम मानता है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इमाम अली शहीद इंसानियत है और लोग शहीद मानते भी हैं, लेकिन फातिमा को दुनिया शहीद भी नहीं मानती। अल्लाह अकबर। और फिर आप नजफ जाएं, कितना बड़ा मकाम है अमीरुल मोमिनीन का। बड़े लोग जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, शरफ़ ज़ियारत हासिल करते हैं, लेकिन मुझे बताएं ना कब्रे ज़हरा किधर है? ये मामूली सी बात है। ऐ खाक मदीना, तेरे जर्रों में अभी तक हम लहदे पयंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। अल्लाह अकबर। किधर है कब्रे फातिमा? आज आए मिलकर इमाम ज़माना से एक इस्तिगासा करें। इससे पहले कि मैं मुसीबत के दो रिवायात पढ़ूँ, आए इमाम ज़माना से इस्तिगासा करते हैं। इस्तिगासा क्या है? वो एक शख्सियत जिन्हें इस वक्त अपनी माँ की कब्र का पता है, वो हमारे ज़माने का इमाम है। इमाम से इल्तिजा करते हैं कि हमारे ज़माने के इमाम, ये यकीनी बात है जब शब शहादत होगी आप ज़रूर जद्द माजिदा की कब्र पर तशरीफ़ ले जाएंगे, लेकिन ज़रा हमें भी याद कर लेना। अल्लाहु अकबर। ए इमाम, हमें भी याद कर लेना। एक रिवायत कहती है कि जब रसूल खुदा का आखिरी वक्त आया तो दस्तक हुई, दक्कुल बाब हुआ, दक्कुल बाब हुआ। जनाब ज़हरा ने पूछा कौन? आवाज़ आई, मैं रसूल खुदा की ज़ियारत के लिए बड़ी दूर से आया हूँ। खातून जन्नत ने कहा कि इस वक्त रसूल खुदा की हालत ठीक नहीं है। कुछ देर के बाद फिर दक्कुल बाब हुआ। हज़रत खातून जन्नत ने पूछा कौन? कहा मैं बहुत दूर से ज़ियारत के लिए आया हूँ। रसूल खुदा ने कहा बेटी, ये कोई और नहीं हज़रत इज़राइल है जो तेरा इज़न तलब कर रहा है। मैं दस्ते अदब जोड़ के कहूँगा रसूल खुदा, फरिश्ते तो यहाँ दाखिल होने के लिए इज़न तलब करे और मदीना के चंद उबाश इस घर के दरवाजे को जलाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे बुजुर्गान कहते हैं कि जब भी सैयदा जहरा की मजलिस होती है, जब भी इमाम हुसैन की मजलिस होती है, सैयदा जहरा तशरीफ़ लाती है, सैयदा जहरा को हम पुरसा देते हैं। मैं कहता हूँ ये वाहिद मजलिस है कि जहाँ इमाम हुसैन आते हैं।
जहां इमाम हुसैन पुरसा लेने के लिए आते हैं, जहां अमीर अल मोमिनीन तशरीफ लाते हैं। बहरहाल अजीजो, हज़रत आयशा से ही रिवायत है कि जब रसूल खुदा का आखिरी वक्त आया तो रसूल खुदा ने जनाब फातिमा को बुलाया, बहुत मोहब्बत का इजहार किया और कहा, बेटी हर साल जिब्राइल एक दफ़ा कुरान लेकर आते थे, इस दफ़ा जिब्राइल दो दफ़ा कुरान लेकर आए हैं। कहा, मुझे लग रहा है कि यही मेरा आखिरी साल है, मैं इसी साल में रहलत कर जाऊँगा। कहते हैं फातिमा ने जब ये बात सुनी तो बड़ी मगमूम हुई। उसके बाद कान के करीब एक और बात कही जिसको सुन के हज़रत फातिमा मुस्कुराई। हज़रत आयशा ने पूछा कि बीबी क्यों मुस्कुराई हो, रसूल खुदा ने क्या कहा है? कहा, मैं क्यों रसूल खुदा के राज को फाश करूं, जब रसूल खुदा की रहलत हुई तो हज़रत फातिमा ने आयशा से कहा, जानती हो मेरे बाबा ने क्या कहा? कहा, जब मैं कान के करीब हुई तो बाबा ने कहा कि फातिमा गमगीन नहीं होना, अहले बैत में सबसे पहले जो मुझसे मुलाकात करेगा वो तुम हो। अल्लाहु अकबर, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस अजीजो, मैं हमेशा कहता हूँ, मरसिया अगर किसी ने पढ़ा है फातिमा का तो वो खुद हजरत फातिमा ने पढ़ा है। वो शेर तो आपने सुना है, सुब्बत अलैया मसाइबुन। अल्लाहु अकबर, ये मरसिया वो है जिसे खुद हजरत फातिमा ने पढ़ा है। और जानते हो ये मरसिया कहाँ पढ़ा है? ये मरसिया अपने बाबा की कब्र पर पढ़ा, बाबा की कब्र को खिताब किया, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा जान, जानते हो तेरे जाने के बाद मुझ पे ऐसी मुसीबतें पड़ी, अगर ये मुसीबतें रोशन दिनों पे पड़ती तो सयाह रातों में तब्दील हो जाती। पता नहीं वो कौन सी मुसीबतें हैं, पता नहीं वो कौन सी मुसीबतें हैं। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जहरा अपने घर से निकले और मस्जिद नबवी में आए। अल्लाहु अकबर। मैं शहादत के मसाइब कल पढ़ूंगा, सिर्फ एक मंजर। रिवायत ने लिखा कि इमाम अली के गले में जब रस्सियाँ डाली गई एक यहूदी से रिवायत है, आपने सुना। मैं कहता हूं कि मरियम का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन मरियम नहीं जानती कि शौहर पर मुसीबत हो तो बीवी भी क्या गुजरती। एक यहूदी से रिवायत है कि मैंने देखा कि अली के गले में रस्सी है, और मैंने जब यह मंजर देखा, ये वो यहूदी है कि जिसे रसूल खुदा ने बार बार ईमान की दावत दी, लेकिन इस यहूदी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। जैसे ही इमाम अली के गले में रस्सी देखी, फौरन इस्लाम कबूल किया। किसी ने पूछा, इस्लाम कबूल करने की क्या वजह है? कहा, मैंने अली जैसा मजलूम नहीं देखा। मैं कहता हूँ जो अली यहूदी की निगाह में इतने मजलूम है, वो फातिमा की निगाह। बहरहाल आप जानते हैं कि दरवाजा गिरा है, बड़ी अजीब हालत है। एक दफा फिजा से पूछा, अबुल हसन कहा है? कहा, जालिम गली में गले में रस्सी डाल कर ले गए हैं। उसी हालत में मदीना में मस्जिद नबवी में आई और कहा, अली को नहीं जाने दूंगी। अजीजाने गिरामी, जैसी ही ये हालत देखी, सलमान कहता है, मैंने देखा मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होना शुरू हुई। इमाम अली ने कहा, सलमान फातिमा को मना करो, अगर फातिमा ने बदुआ की तो मदीना बर्बाद हो जाएगा। अजीजो, फातिमा आई, अली को गले में रस्सी है, रस्सी उठाकर अली को अपने घर ले गई। मैं कहता हूं फातिमा, दस्ते अदब जोड़ के कहूंगा, बीबी खातून जन्नत, बड़ी मुसीबतें पड़ी, आपने अली को मस्जिद नबवी से घर की तरफ ले गए। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद। अल्लाहु अकबर। मैंने एक रिवायत पढ़ी, मेरी मुसीबत तमाम हुई। हर इमाम की आदत रही है वक्त शहादत अपने बड़े बेटे को बुलाया, इमाम अली के वक्त शहादत
इमाम अली ने हसन को आवाज़ दी, इमाम हसन ने कासिम को आवाज़ दी, ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम मोहम्मद बाकर को आवाज़ दी, इमाम मोहम्मद बाकर ने जाफ़र को आवाज़ दी, इमाम जाफ़र ने इमाम कासिम को आवाज़ दी, इमाम कासिम ने इमाम अली रज़ा को आवाज़ दी, और जानते हो इमाम अली और रज़ा ने इमाम तकी को आवाज़ दी। इमाम तकी मदीने में है, इमाम अली और रज़ा निशापुर में है। रावी कहता है कि जैसे इमाम रज़ा ने आवाज़ दी मोहम्मद तकी पहुँचे, लेकिन वाहिद मजलूम इमाम है कि जो करबला में है वो नहीं कह सकते सज्जाद। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह, वो नहीं कह सकते सज्जाद, चूंकि जानते हैं सज्जाद की क्या हालत है। बस दुआ की कबूलियत के लिए एक रिवायत, ये वो मजलूम इमाम है कि जनाब सैयदा ज़ैनब इस इमाम के पास आई और जिंदगी का पहला सवाल पूछा, कहा बेटा सज्जाद खेमों में आग लगी है, खेमों में आग लगी है, ये बताइए कि हम खेमों में जल के राख हो जाए या सहरा की तरफ चले जाए। कहा अली की बेटियां सब खेमे छोड़ के सहरा की तरफ चले जाए। हाय ज़ैनब की परेशानी, हाय ज़ैनब की परेशानी, परवरदिगार सैयदा ज़ैनब की चादर का वास्ता हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी सारी उम्मीदें दर ज़हरा से है, बानियान मजलिस की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। जो मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है परवरदिगार, जो भी मुश्किलात है रफा व दफा फरमा। एक दुआ जो मैं अपनी हर मजलिस में करता हूँ परवरदिगार, हक के जहरा का वास्ता, कुछ दुआएँ ऐसी हैं, कुछ हजात ऐसी हैं कि जिनका तस्करा ज़ुबानों पर नहीं होता। परवरदिगार तू अलीम बिज़ात सुदूर है, हमारी उन हजात को पूरा फरमा। हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा, हमें हुज्जत के कदम मुबारक में शहादत की मौत इनायत फरमा। ममलिकत पाकिस्तान को मुस्तहकम फरमा, जो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्हें खारु जलील फरमा। मुतवज्जेह ज़ियारत।